नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव दुशांशु पांडे और अभिषा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने बहुत सारे जो है प्रश्न पहले देखे हुए हैं, हम चैप्टर वाइज जो है सारी चीजें निपटाते जा रहे हैं। आपकी परीक्षा के लिए अभिषा की पूरी टीम की तरफ से क्या तैयारी है? अभिषा की तैयारी ये है कि हम लोगों ने भौतिकी के लिए तो एग्जाम सीरीज चला ही रखी है, इसके साथ साथ आपको रसायन, जीव विज्ञान, गणित सारे सब विषयों में जो है संपूर्ण तैयारी के लिए एक ही इस प्लेटफॉर्म पर आना है और वो है अभिषा का प्लेटफॉर्म। यहाँ अभिषा की एग्जाम मिशन 2023 ये जो सीरीज चल रही है, यहाँ पे हम आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड के सभी पुराने प्रश्न पत्रों के लिए जितने भी ऐसे प्रश्न आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, हम उन पर चर्चा करते हैं। उससे पहले जैसा कि आप मेरे साथ देखते जा रहे हैं कि हम लोग जो है फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं ताकि आपका पूरा कोर्स जो है सही समय पर कंप्लीट हो सके। तो इस तैयारी में अब आप जो है आज क्या देखने वाले हैं, आज हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर का ये सब देखने वाले हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर आंकिक प्रश्नों को रखा गया है और दीर्घ होते प्रश्नों को रखा गया है। तो आइए फिर पेन कॉपी निकाल लीजिए, बिल्कुल तैयार हो जाइए क्योंकि ये चीजें महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं। एक संधारित्र है, उसको आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। अब भाई क्या ऊर्जा जो है हमको मिलेगी, इसके लिए हमको व्यंजक बनाना है, ठीक है। और अगली चीज क्या है, अगली चीज यह है कि यह ऊर्जा कहाँ स्थिर रहती है और विद्युत ऊर्जा घनत्व कितना होता है, इन सारे विषयों पर बातें करनी है। तो ये हमारा पहला प्रश्न तो यही हो गया। चलिए आइए इस पर चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम जो है एक संधारित्र के बारे में बात करते हैं। एक संधारित्र जो है, संधारित्र वो क्या करता है, संधारित्र जो है ये धारिता, विद्युत धारिता का मान सी बराबर क्यू बटा वी होता है, ठीक है। अब यहां पर जो है ये क्या क्या चीजें हैं पहले देख लेते हैं। ये है आवेश, ठीक है, और ये है विभव, और ये है धारिता, ठीक है। अब हमको क्या करना है, तो हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा V बराबर Q बटा C। अब यहां से जो है हमको हमारी जानकारी शुरू होती है। देखिए हम लोगों को पता था कि विद्युत विभव जो है वो होता क्या है, प्रति एकांक आवेश द्वारा किया गया कार्य, मतलब हम बोल सकते हैं W बराबर V बटा W बराबर V गुणा Q, V गुणा Q। और यहां से जो है अगर हम छोटे से कार्य की गणना करना चाहें, डी डब्ल्यू बराबर ये जो विभव हो गया हमारे पास में क्यू बटा सी, और उसके बाद में हम लोगों ने एक छोटा सा आवेश डी क्यू जो है यहां पर लाके डालने की कोशिश की, तो यहां पर कुल मिला के किया गया कार्य। अगर हमको जो है संपूर्ण कार्य की गणना करना है तो यहां पर इंटीग्रेशन और ये डी डब्ल्यू अब क्या हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू से हमको कुल मिला के किया गया कार्य मिलेगा। देखिए ये सी क्या है, ये एक नियतांक है, इसको बाहर निकालेंगे तो एक बटा सी, और यहां फिर जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू डी क्यू। तो अब जो है हमको क्या समझ में आता है, इसका इंटीग्रेशन करने से हमको मिलेगा क्यू का वर्ग बटा दो, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर एक बटा सी, और यहां हो जाएगा क्यू का वर्ग बटा दो। इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, W बराबर हाफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय C। अब हमको और क्या पता है भैया, Q बटा C तो जो है V के बराबर होता है ना, Q बटा C तो V के बराबर होता है, तो यहां से हम और लिख सकते हैं W बराबर एक बटा दो, और ऊपर से एक Q बचा और यहां पर Q बटा C हो गया, तो इसी को लिख सकते हैं एक बटा दो Q और V। अब अगली बात क्या है भाई, हमको और क्या पता है, हम यहां पर से जो है एक और चीज निकाल सकते हैं कि यहां हम Q को जो है CV भी तो लिख सकते हैं भाई, Q बराबर CV होता है, तो यहां से W बराबर एक बटा QV, और यहां से क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है, तो यहां से जो है वो जानकारी डालने से हमको एक बटा दो, और यहां पर हो जाएगा CV गुणा भी, और ये हो जाएगा एक बटा दो सी वी का वर्ग। हमारे पास में
तीन ऐसे सूत्र आ गए जिससे जो है हम कुल मिला के संचित ऊर्जा के मान की गणना कर सकते हैं। ये तीन सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप YouTube में हमारा चैनल मतलब देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको जो है भाई इसको लाइक कर देना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अकेले इसका फायदा उठा करके और अपने अपने क्या कहते हैं कर्मों में जो है कुछ बहुत अच्छा जोड़ नहीं पाएंगे। जब आप अपने दोस्तों के लिए भी अच्छा सोचेंगे, उनके साथ में ये चीजें शेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं उस अच्छाई का प्रभाव आपके अपने रिजल्ट में भी पड़ने वाला है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि हमको ये कुल मिला के ऊर्जा के मान में तो पता चल गया, लेकिन अब हमसे जो है प्रश्न के अगले ही हिस्से में क्या पूछा है, यह ऊर्जा कहाँ रहती है? तो यह ऊर्जा विद्युत विभव के रूप में आवेश मतलब ऊर्जा किस ऊर्जा में भाई, ये जो है विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा है, तो ये इसके बीच में विद्युत क्षेत्र के रूप में उपस्थित रहती है। हमको समझ में आ गया कि ये ऊर्जा दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र के रूप में उपस्थित रहती है। अब अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कितना होता है। चलिए आइए देखते हैं, ऊर्जा घनत्व की बात अगर हमको करनी है तो हम लोग लिख लेते हैं, चलिए ये होता है ऊर्जा घनत्व। ठीक है, अब ऊर्जा घनत्व, जब भी हम घनत्व शब्द की बात लाते हैं तो यहां पर हम क्या बात करेंगे भाई, यहां पर अगर आपने जितनी भी ऊर्जा की बात की है, जितनी भी ऊर्जा U की बात की है, उसमें अगर हम जो है आयतन का जो है भाग दे दें तो जो है हमको ऊर्जा घनत्व मिल जाएगा। अब हम जो है समांतर प्लेट के लिए जो है समांतर प्लेट संधारित्र के विषय में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां पर समांतर प्लेट संधारित्र, अब यहां पर समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जो है सी का मान क्या होता है, सी का मान होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, ये हमको पता चल गया। ठीक है, अब जो है हमको और क्या चीज पता है, हमको पता है कि कुल मिला के जो है ऊर्जा का मान क्या होता है, ऊर्जा का मान होता है 1/2 सी वी का वर्ग। अच्छा, एक और जो है हमको जो पता था क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और यहां से हमको क्या पता है, हमको पता है E बराबर V बटा D, या फिर हम इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोल सकते हैं V बराबर ED। यहाँ पे E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। तो अब यहां से जो है हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा की, U बराबर होता है 1/2 CV का वर्ग। अच्छा, उसके बाद में जो है हाफ को तो आप बाहर रहने दो, C का मान जो है हम लोगों ने यहां से ले लिया एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, ये हो गया सी का मान। ठीक है, और वी के मान के लिए हमारे पास में है ई डी और पूरे का वर्ग। ठीक है, अब अगर हम यहां पर गुणा करें तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, और यहां पर से जो है हो जाता है ई डी का वर्ग। तो यहां से जो है जो जो चीजें हम काट सकते हैं वो कटा लेंगे, तो ये d का वर्ग 1d को निकाल देगा और हमारे पास में क्या बचा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट e का वर्ग a गुणा d। ये a और d मतलब a जो है क्षेत्रफल है और d क्या है, ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, तो ये जो है हमारा बन जाता है आयतन। अब हमारे पास में आयतन है। अच्छा, हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, ऊर्जा घनत्व के लिए जो है हम पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये क्या है, ये है ऊर्जा और ये है आयतन। तो हम जो है ये सूत्र यही डाल देंगे, हमको ऊर्जा घनत्व मिलना है, तो ऊर्जा घनत्व बराबर कुल मिला के ऊर्जा बटा आयतन, और ऊर्जा हमारे पास में कितनी है, ये हमारी ऊर्जा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का वर्ग और कुल मिला के आयतन और बटे में आयतन। तो ये जो आयतन है ये दोनों जगह से कट जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ऊर्जा घनत्व का मान 1/2 एप्सिलॉन नॉट
और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का वर्ग। मुझे उम्मीद है कि अब आपको जो है ये हमारा जो पहला प्रश्न था इसके बारे में जो है सब कुछ समझ में आया होगा। यहाँ पर कुल मिला के ऊर्जा का घनत्व कितना होता है, यह विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र के रूप में जो है यहाँ पर दोनों के प्लेटों के बीच में संचित ऊर्जा होती है और ऊर्जा के लिए अलग अलग सूत्र। तो ये 5 प्रश्न अंक का प्रश्न था जो 2020 में पूछा गया प्रश्न है और इसका मतलब ये है कि हमको जो है बहुत ध्यान से इन चीजों को अपने दिमाग में बना के रखना है। फिर देखिए संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या है, इसका व्यंजक उत्पन्न कीजिए और यह ऊर्जा किस रूप में और कहां पाई जाती है, ये वही प्रश्न था, हम लोगों ने इसका उत्तर दिया। इसी तरीके के एक एक प्रश्न के छोटे छोटे वीडियोस आपको अगर जो है YouTube में मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आपको प्रश्न विशेष के लिए ज्यादा ढूंढने की ज्यादा खोज परख करने की जरूरत नहीं है। आप बस अभिप्सा के चैनल के साथ में जुड़े रहे, हमसे लगातार संपर्क बनाए रखें और आपकी तैयारी की जिम्मेदारी है अब हमारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।